नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल वॉन्डरिंग क्लाउड पर। चार धाम यात्रा 2022 ब्लॉग सीरीज का आज ये तीसरा एपिसोड है। हमारी इस ब्लॉग सीरीज के पिछले एपिसोड्स देखने के लिए यहां स्क्रीन पर आई हुई लिंक को क्लिक करें। आज के इस एपिसोड में हम बरकोट से प्रथम धाम यमुनोत्री जाएंगे और मां यमुना के दर्शन करेंगे। दोस्तों, यमुनोत्री धाम पहुंचने के लिए हमने बरकोट से सुबह 7 बजे के करीब अपनी जर्नी स्टार्ट की। 45 किलोमीटर की सफर पूरी करके हम 9 बजे जानकी चट्टी पहुंचे। जानकी चट्टी से यमुनोत्री पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर की ट्रैक करनी पड़ती है। अगर किसी को पैदल ट्रैक करने में कोई प्रॉब्लम हो तो यहां पालकी और खच्चर द्वारा भी आप ट्रैक कर सकते हैं। हमने सुबह 9:30 बजे के आसपास जानकी चट्टी से पैदल ट्रैकिंग की शुरुआत की। गढ़वाल हिमालय के पश्चिमी तरफ उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में माता यमुनोत्री का पवित्र स्थान है। समुद्र तल से लगभग 3,293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यमुनोत्री धाम अपनी विशाल पर्वत चोटियों, ग्लेशियरों और यमुना के तेज पानी के साथ गर्व से खड़ा है। यमुना नदी भारत की दूसरी सबसे पवित्र नदी है, जो यमुनोत्री धाम से निकलती है और जो इसे उत्तराखंड में छोटा चारधाम यात्रा के तीर्थस्थलों में से एक बनाती है। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार यमुना देवी को सूर्य देव की पुत्री और मृत्यु के देवता यमदेव की बहन माना गया है। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो समुद्र तल से 6,315 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुना नदी कालिंद नामक पर्वत की चोटी के ठीक नीचे एक खड़ी ढलान के खिलाफ स्थित है, जहां से ये सप्तऋषि कुंड में उतरती है और वहां से यमुना नदी एक श्रृंखला के रूप में दक्षिण की ओर बहती है। कालिंद नामक पर्वत से निकलने वाली यमुना नदी को कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण 1839 में टिहरी के राजा नरेश सुदर्शन शाह द्वारा किया गया माना जाता है। यमुनोत्री मंदिर में देवी यमुना काले संगमरमर के मूर्ति के रूप में विराजमान है। यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के दिन यानी कि अप्रैल या मई में खुलते हैं और यम द्वितीया यानी कि भाई दूज के दिन यमुनोत्री धाम के कपाट बंद किए जाते हैं। यमुनोत्री मंदिर के उद्घाटन और समापन दोनों समारोह भव्य अनुष्ठानों और मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न होते हैं। Yeah.
यमुना देवी के मंदिर के निकट ही गर्म पानी के कई झरने भी आए हुए हैं और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है सूर्य कुंड। लोग इस गर्म पानी में चावल बांधकर उबालते हैं और उसे यमुना देवी के प्रसाद के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। यमुना देवी के पावन दर्शन करने के बाद करीब 3:30 बजे के आसपास हम वापस जानकी चट्टी पहुंचने के लिए निकले। छह किलोमीटर की रिवर्स ट्रैक करने के बाद करीब 6:30 बजे के आसपास हम जानकी चट्टी पहुंचे। जानकी चट्टी से हमें हमारे बरकोट की होटल में पहुंचना था, इसलिए हम शाम 7 बजे के करीब जानकी चट्टी से निकले और रात 9 बजे हमारी होटल पहुंच गए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड यमुना देवी के मंदिर प्रथम धाम यमुनोत्री का। इस व्लॉग सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको उत्तरकाशी और उसके बाद गंगोत्री धाम ले जाएंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले एपिसोड के साथ आप सभी से जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय जय गर्वी गुजरात।